हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर में नकली घी का बड़ा खुलासा। रहवासी बेड़े पर पकड़ा नकली घी का कारखाना। नकली को असली ब्रांड के डिब्बे में भरते थे। आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं आए। जालौर पुलिस ने मंगलवार को तड़वा गांव में एक रहवासी बेड़े पर नकली घी बनाने का कारोबार पकड़ा है। साथ ही नकली घी बनाने की बड़ी मात्रा में सामग्री पकड़ने में सफलता हासिल की है। हालांकि इस मामले में आरोपी मौके से फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक हेमंत अभिलाष टांग के निर्देशानुसार वृत्त अधिकारी जयदेव सियाग के नेतृत्व में टीम का गठन कर पुलिस निरीक्षक देवेंद्र सिंह व कोतवाली थाना अधिकारी बाग सिंह के साथ तड़वा गांव में करण सिंह पुत्र तेज सिंह के बेड़े पर दबिश दी गई। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को देखकर करण सिंह मौके से फरार हो गया। दबिश के दौरान मौके से नकली घी बनाने की सामग्री व नकली को असली घी बनाकर पैकिंग के डिब्बे, ब्रांड के रैपर, पाम ऑयल पाया गया। साथ ही घी बनाने के लिए गैस भट्टी, डिब्बे पैकिंग के लिए एक्यूप्रेशर मशीन, डिब्बों के ढक्कन समेत घी के ब्रांडों के रैपर भी पाए गए। तलाशी में नकली घी बनाने कई मशीन समेत पूरा कारोबार मिला। पुलिस ने सारी सामग्री जब्त कर आरोपी करण सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। जालौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नकली घी की फैक्ट्री को पकड़ा। उसमें बड़े स्तर पर नकली घी, उसके कंटेनर, पैकिंग्स, रैपर्स, पाम ऑयल्स और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई। नकली घी बनाने की मशीनें इत्यादि को पकड़ा गया और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वास्तव में ये जनता को जहर बेचने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी गिरफ्तार हुए, आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिस समय रेड डाली गई थी उस समय आरोपी वहाँ पर भाग छुटा था, इसलिए वो उसने मोबाइल बंद कर दिया, इसलिए पकड़ में नहीं आया। ये मुखबिर की इत्तला पे DYSP जालौर के नेतृत्व में कार्रवाई की को अंजाम दिया गया। तो आपके हिसाब से जिले में ऐसे और कार्य चल रहे होंगे नकली घी वगैरह के, और पता लगाया जा रहा है, जिले में और भी पता लगाया जा रहा है, जिससे ये कार्रवाई अगर कोई सूचना मिलेगी उक्त उस पर कार्रवाई की जाएगी। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।